ऑर्डिनरी हनी कॉम वीव के बारे में। तो डिज़ाइन हमारा है ऑर्डिनरी हनी कॉम वीव, रिपीट साइज है 8x8 और वीव बॉर्डर इसमें नहीं होता है, इसमें भरने का एक मोटिफ होता है वो निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम भरते हैं ऑर्डिनरी हनी कॉम वीव। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिपीट साइज जो है हमारा 8x8 का रिपीट साइज है, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन लेके जाएंगे। ठीक, तो हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक लाइन लेके जा रहे हैं, हो गया। अभी इसी लाइन से इसको छोड़ के फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधे लेके आएंगे, हो गया। अब देखिए ये लाइन बन गया। इसके बाद से क्या करेंगे, ये जो है इस इन दोनों के बीच यहाँ पड़ रहा है एक, इस लाइन को एक छोड़ के बाकी सबको फिल कर देंगे। देखिए हम फिल करें, इसी तरीके से आप लोग फिल करिएगा। ये एक छोड़ेंगे तो यहाँ से होगा, फिर यहाँ से एक छूटेगा तो यहाँ से बाकी सब फिल कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ भी वही हाल है, एक छोड़ेंगे तो यहाँ एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ एक छोड़ेंगे, फिर यहाँ, फिर इसमें भी छोड़ेंगे एक, बन के तैयार हो गया। ये हमारा ऑर्डिनरी वीव ऑर्डिनरी हनी कम वीव हो गया। अब इसका ड्राफ्ट देखिए, एक इसमें लेके जाएंगे, ये भी मैच नहीं कर रहा है इसको अलग, ये भी मैच नहीं कर रहा है इसको अलग, ये भी मैच नहीं कर रहा है किसी से, ये भी अलग, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी अलग, ये मैच कर रहा है यहाँ पे, इससे मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इस वाले लाइन में इसको भर देंगे। फिर ये दूसरा का था ना, आप ये पहले वाले में देखें, ये भी मैच कर रहा है इसके इससे, इसको भी लेके जाएंगे इसमें भर देंगे। फिर ये इससे मैच कर रहा है, देखिए वन अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन वन अप, तो इसका वाला कहाँ पे है, यहाँ, तो इसमें भर देंगे। ये हमारा ड्राफ्ट बन गया। ठीक है, अब इसका पेक प्लान बनाते हैं। तो पेक प्लान क्या है, नॉर्मली इसी ड्राफ्ट के बेस पे बनता है। देखिए ये पहला है, तो पहले हम देखेंगे कौन कौन सा अप है, वन अप वन डाउन, फिर वन टू थ्री फोर फाइव वन डाउन, फिर दूसरे में देखेंगे वन डाउन वन अप वन डाउन थ्री अप वन डाउन वन अप, फिर तीसरे में देखेंगे तो वन अप वन डाउन वन अप वन डाउन वन अप वन डाउन वन अप वन डाउन। ठीक, चौथे में देखेंगे वन टू थ्री फोर, देखिए पिक प्लान कैसे फिल किए हैं। पहले हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा अप है, तो जो जो अप है यहाँ पे हम फिल कर दिए। ठीक, अब दूसरे में देखेंगे यहाँ में कौन कौन सा अप है, तो जो जो इसमें अप है इसमें हम फिल कर दिए। ठीक, तीसरे में देखेंगे कौन कौन सा अप है कौन कौन सा डाउन है, ये देखने के बाद से तीसरे में भर देंगे। ठीक, फिर चौथे पाँचवे में ऐसे ही देख के इसको फिल कर देंगे। तो फिल करने पर करने के बाद से यही दिख रहा है हमारा पेक प्लान, पेक प्लान, और ये हमारा ड्राफ्ट, और ये हमारा है डिज़ाइन। ये हमारा है वेफ्ट, और ये हमारा है वार्प, हो गया डिज़ाइन बनके रेडी हो गया।